Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं काशिफ अली। आज तीन तलाक को लेकर बिल पास हो चुका है लोकसभा में। बिल का नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज बिल 2017, बिल नंबर 247। लोकसभा में बिल पास हो चुका है। सरकार ने जो दलीलें दी हैं इस बिल को पेश करते हुए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जो सरकार ने, हालांकि कांग्रेस ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है, असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के प्रमुख हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। बीजेडी, उसने विरोध किया है। और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। खैर, बिल पास हो चुका है। और जिसकी जो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि जिस बिल में जो सबसे ज़्यादा वो ख़ास बात है, तलाक-ए-बिद्दत जिस तरीके से ये पेश हुआ है, मैं आपको थोड़ी सी इसमें बताना चाहूँगा कि रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए, कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, लोकसभा में मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण, हिंदी में इसको बोलते हैं, विधेयक को पेश किया। फिर उसके बाद तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया था। जी हाँ, अब केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, और सबसे जो खास बात रही इस बिल को पेश होते वक्त, वो ये थी कि कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया है, इसका लोकसभा में समर्थन किया है। यानी कहीं ना कहीं अब इस बिल को जो पास हुआ है, इसमें जो अड़चने हो रही थी वो अब दूर हो रही हैं। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। यानी उनका कहना है कि ये कानून नारी न्याय और महिलाओं की इज्जत और गरिमा, जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आरजेडी और बीजेडी ने इसका विरोध किया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे कहा है कि ये बिल जो है वो मूलभूत अधिकार जो है उनका हनन है। और इसके अलावा आरजेडी और बीजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी ने तीन तलाक बिल में सजा के प्रावधान का विरोध किया है। यानी जो उसमें खास में यह है कि अगर इंस्टेंट आप तलाक देते हैं, तीन तलाक देते हैं, तो जो उसमें तीन साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, तो यानी उसको कहा गया है आरजेडी ने कि उस सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें तीन साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब बिल पेश होने जा रहा था, उससे पहले बीजेपी संसदीय बैठक की मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, और बीजेपी के कई बड़े मंत्री और नेता मौजूद थे। और मैं आपको थोड़ा सा इसकी बारीकी में समझाना चाहूँगा कि जिस तरीके से कानून में जिस बिल पेश जब हुआ, तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मूल अधिकारों का जो है वो हनन है, और इसके साथ बिल जो है वो गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। तीन तलाक इस तरीके से, जैसे बोलकर, लिखकर, मैसेज, फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक या तीन तलाक देना गैर कानूनी होगा इस कानून के तहत। अब जिस तरीके से अमूमन ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग जो है फ़ोन पर तलाक दे देते हैं, मैसेज में तलाक दे देते हैं, तो जिस तरीके के जो केसेस सामने आते हैं कि अब इन पर रोक लगेगी कहीं ना कहीं, तो अब जिस तरीके से ये देखना होगा कि अब इस कानून का पालन कितना होता है। वहीं इस बिल में एक ख़ास बात यह है कि महिलाओं को इसका भरण पोषण दिया जाएगा और गुजारा भत्ता दिया जाएगा, और नाबालिग बच्चों को रखने का अधिकार दिया जाएगा। ये गौर करने वाली बात है कि जो बच्चे जिनके बच्चे होंगे, जो नाबालिग होंगे, यानी 18 साल से कम जिनकी एज होगी, उनको रखने का अधिकार दिया जाएगा, और जुर्माने की रकम, गुजारा भत्ता और बच्चों के बारे में फैसला मजिस्ट्रेट को करना होगा। यानी जिस इलाके में ये केस होगा, चाहे वो कोई राज्य में हो,
और वहाँ पर जो है वो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो वही तय करेगा कि कितनी गुजारा भत्ता की रकम देनी है। हालांकि ये कानून जो है वो जम्मू कश्मीर छोड़कर आज से पूरे देश में लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून बनाने को लिए कहा था। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीन तलाक को गैरकानूनी करार दे दिया था और सरकार को कानून बनाने के लिए कहा था, 6 महीने का वक्त दिया था और सरकार ने 6 महीने के अंदर इसको कानून को बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में करीब 67 ऐसे मामले आ चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा मामले यूपी में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने तीन तलाक का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और बीजेपी को यूपी में बम्पर जीत भी मिली थी। और खुद पीएम मोदी यूपी से लेकर गुजरात चुनाव और लाल किले तक से तीन तलाक का जिक्र कर चुके हैं। यानी तीन तलाक को लेकर जिस तरीके से संजीदगी दिखा रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो संजीदगी को कहीं ना कहीं अब ज़मीन पर लेकर आया गया है। और जिस तरीके से ये तीन तलाक का बिल पेश किया गया है, तो ये अपने आप में जिस तरीके से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी क्यों इस तीन तलाक को लेकर क्यों इतना उत्साहित है और क्यों इसको जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस कानून को बनाया जाए और वो कानून पास कर दिया। हालांकि मुस्लिम बॉडी जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो एक बिल जो है वो बहुत ख़तरा है और इसको जो है वो वापस लेना चाहिए, ये कहना है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड मौलाना राबे हसन नदवी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं राबे हसन नदवी साहब, उन्होंने कहा है कि इस बिल में काफ़ी जो बनाया गया है उसमें महिलाओं के सम्मान के बात नहीं, इसमें कहीं ना कहीं ख़तरा पैदा किया गया है और इस बिल के ज़रिए कहीं ना कहीं किसी और को टारगेट किया जा रहा है। वहीं ये मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूँ, ये एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार की खबर है। तो जिस तरीके से इन्होंने, राबे हसन नदवी साहब ने इस चीज़ का कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि वो इसको विड्रॉ करें इस बिल को, क्योंकि क्रिमिनलाइज की कैटेगरी है और द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट डाइवोर्स ऑन ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ मुस्लिम बॉडी सेड, यानी कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल जो कहा गया है मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के जरिए, उन्होंने कहा है कि इंस्टेंट तलाक पहले से ही गैर कानूनी था लेकिन अब जो बिल में लाया गया है वो कहीं ना कहीं अब ख़तरा पैदा करेगा। तो जिस तरीके की चीज़ें ये हो रही हैं वाकई में, अब जिस तरीके से कानून, मैं आपको एक खबर से और दिखाना चाहूँगा कि ये सेंसस में आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तलाक का कितना रेशियो है, कितने मुसलमान महिलाओं को तलाक होता है। उसमें जो 2011 की जो मतगणना हुई थी उसके अनुसार सेंसस पुट्स मुस्लिम डाइवोर्स रेट एट जस्ट 0.56%, यानी 1% भी मुसलमानों को तलाक, महिलाओं को तलाक नहीं होती है। ये मतगणना जो 2011 के अनुसार 1% भी मुस्लिम महिलाओं को तलाक नहीं होती है, ये 2011 की जनगणना कह रही है। यानी जिस तरीके से, और अगर हम बात करें और दूसरी चीज़ की कि जिस तरीके से कानून है, तो इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जिस तरीके से अगर कोई लिखकर या बोलकर या मैसेज पर अगर आप देंगे तो वो तलाक असंवैधानिक हो जाएगी। हालांकि इस पर विपक्ष का कहना है, ख़ास करके असदुद्दीन ओवैसी का ये बात कहना है कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं की, अगर आप इतने खैरख्वाह हैं, अगर आप इतनी मुस्लिम महिलाओं को चाहते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए, तो अभी तक आपने जो सच्चर कमेटी कह रही थी कि मुसलमानों की जो हालात हैं वो काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो अभी तक आपने मुसलमान महिलाओं के उत्थान के लिए कोई बड़ा काम क्यों नहीं किया? आप ट्रिपल तलाक के लिए इतने क्यों उत्साहित हैं? क्या आपने मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा के लिए अभी तक कितना काम किया है? मुस्लिम महिलाओं के उनको सम्मान देने के लिए समाज में कितना काम किया है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यानी सरकार जिस तरीके से बुनियादी चीज़ों से हटकर काम कर रही है, पहले उसको महिलाओं को लेकर, पहले उनकी शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं और सुरक्षा का मामला है, इस सब चीज़ों को सरकार पर ध्यान देना चाहिए। यानी सरकार जब खामोश हो जाती है, जब कहीं कोई राइट्स होता है तो वहाँ पर सरकार खामोश हो जाती है, लेकिन ट्रिपल तलाक के ऊपर जहाँ पर सिर्फ रेशो 0.56% है, यानी 1% भी तलाक नहीं होते हैं, उस पर सरकार
अपना तेजी से रुख दिखा रही है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, उनका ये कहना है। और लगातार आरजेडी भी इस चीज़ का विरोध कर रही है कि बिल में जो है वो काफ़ी तरीके की इसमें चीज़ें रखी गई हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये बिल दिखा देता हूँ कि ये बिल पास हुआ है लोकसभा में, इसमें जिस तरीके से कहा गया है, इसको नाम दिया गया है, इसको जम्मू कश्मीर में ये नहीं होगा लागू, बाकी सारे राज्यों में लागू होगा। और जिस तरीके से मैं आपको दो पॉइंट और बताना चाहूँगा कि इस एक्ट में जो सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इन द क्लॉज ऑफ सब सेक्शन आई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग इस पर काम होगा। ट्रिपल तलाक मीन्स तलाक की बिद्दत, और जो भी उसके अदर फॉर्म होगा उसमें अब वो असंवैधानिक है। और जिस तरीके से मजिस्ट्रेट, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जो उस एरिया का मजिस्ट्रेट होगा वही तय करेगा कि वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग जुरिसडिक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन द एरिया वेयर अ मैरिड मुस्लिम वुमेन रिसाइड्स, यानी कहीं ना कहीं जो 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो कोड है उसी कानून के तहत कार्रवाई होगी अगर आप किसी मुस्लिम महिला को तलाक देते हैं। यानी जिस तरीके से पूरे ट्रिपल तलाक को लेकर, जिस तरीके से अब जो एक गतिरोध था, जिस तरीके से 15 अगस्त पर पिछले दिनों बीते दिनों जब 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बात कही थी कि हमने मुसलमान महिलाओं को हक दिया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगस्त में आता है और अब 6 महीने के अंदर अंदर ये बिल पास हो जाता है। तो अब देखना ये होगा कि अब जिस तरीके के इस मामला सामने आ रहे थे लगातार कि फ़ोन के ज़रिए मैसेजेस के ज़रिए जो तलाक हो रहे थे इन पर कितनी रोक लगेगी, और इस पर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद का क्या रोल रहता है, और इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी और जो इसका पार्टी जो विरोध कर रही हैं वो अपना क्या रुख अख्तियार करती हैं, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोर्ट में इस तरीके का जो है वो ख़त्म हो चुका है, गतिरोध खत्म हो चुका है, बिल पास हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो केस सायरा बानो केस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लड़ा था सबसे पहले सायरा बानो केस से, ये सब पूरा तीन तलाक का मसला उठा था। यानी कहीं ना कहीं जो अब जो पूरा मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब सरकार किस तरीके से इस बिल का लोगों पर इम्प्लीमेंट कराती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SK9 News। नमस्कार।